बेगूसराय में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में केंद्रीय मंत्री और एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिला व्यवहार न्यायालय के सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि सरेंडर के बाद ही कोर्ट से गिरिराज सिंह को तत्काल ही जमानत मिल गई। कानून का सम्मान करता, न्यायालय का सम्मान करता, और इसीलिए जिस गलतफहमी के कारण मुझ पर ये धाराएं लगाई, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद वंदे मातरम भारत का मूल मंत्र है। मैंने लोगों को सजेस्ट किया कि वंदे मातरम बोलना चाहिए और ये देश के लिए अपराध नहीं है, और मैं कोई किसी धर्म को नहीं उसकाया। देशवासियों का कर्तव्य बनता है, पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि को माता की तरह मानता है। गांव में किसी लड़के को चाहे जज हो जाए, वकील हो जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, अगर वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि वो अपने माँ बाप को सम्मान करे कि ना करे, लेकिन सामाजिक संविधान में है कि जो बेटा नहीं करता, समाज कहता कि जो अपने माय बाप का नहीं हुआ वो किसका। बिहार एनडीए से बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह पर आरोप था कि 24 अप्रैल को जीडी कॉलेज में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की सभा के दौरान वंदे मातरम को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय पर विवादित टिप्पणी की थी। इस संबंध में डीएम और मुख्य चुनाव अधिकारी ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले में सीजीएम कोर्ट में गिरिराज सिंह ने आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। नगर थाना कांड संख्या 221 2019 में कहा गया था कि अमित शाह की जो जीडी कॉलेज में सभा थी उसमें गिरिराज सिंह जो हमारे 24 बेगूसराय से अभ्यर्थी हैं, इन्होंने ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दिया। आज हमने कोर्ट में गिरिराज सिंह जी को सरेंडर कराया और स्पष्ट रूप से हमने कोर्ट में कहा कि जो इनका बयान है वो इम्फेसिस है कि वंदे मातरम कहने पर, और उन्होंने दोनों समुदाय को कहा कि उन्हें वंदे मातरम कहना चाहिए। इस पूरे कंटेंट्स में कोई ऐसा ऑफेंसिव वर्ड नहीं था जिससे किसी रिलीजियस ग्रुप को, कास्ट को और बैरियर्स को हर्ट हो, और ये निश्चित रूप से क्वेशिंग के लायक मामला था। इसीलिए न्यायालय ने सही तौर पर इसे माना कि समूचे प्रोसिक्यूशन स्टोरी में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो रिलीजियस कंडक्ट को या रिलीजियस फेथ को मैलिस करता हो, और न्यायालय ने माननीय गिरिराज जी को जमानत दी है। आपको बता दें कि बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो वंदे मातरम नहीं गा सकता, जो मातृभूमि का सम्मान नहीं कर सकता, उसे देश माफ नहीं करेगा। मेरे पूर्वज सिमरिया घाट में गंगा नदी के किनारे मरे और उन्हें कब्र की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हें तो तीन हाथ जगह चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद एसडीएम और मुख्य चुनाव अधिकारी ने नगर थाना में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बेगूसराय में चुनाव हो चुके हैं, गिरिराज सिंह के बयान से खुद गिरिराज सिंह के साथ ही साथ एनडीए को कितना फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, अब तो चुनावी परिणाम के बाद ही पता चलेगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार।